पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ईपीसीएच की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की 6 सीटों के लिए चल रहे चुनाव में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद भारत सरकार द्वारा गठित चुनाव समिति ने चुनाव प्रक्रिया निलंबित कर दी है। उल्लेखनीय ये है कि चुनाव NSDL द्वारा ई वोटिंग के माध्यम से करवाए जा रहे थे, लेकिन NSDL की वेबसाइट पर सिक्योरिटी फीचर इतना कमजोर डाला गया कि कोई एक व्यक्ति बिना पासवर्ड या OTP से किसी भी अन्य फॉर्म या कंपनी का वोट डाल सकता है। आपको बता दें कि लघु उद्योग भारती, मुरादाबाद इकाई और द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से EPCS CEO मेंबर्स इलेक्शन निरस्त होने के संदर्भ में पीलीकोठी स्थित एक रेस्टोरेंट में की गई, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार के विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय में चुनाव समिति के समक्ष CUA चुनाव के सेंट्रल रीजन प्रत्याशी हेमंत जुनेजा अब्दुल अजीम के साथ ही ईस्टर्न रीजन प्रत्याशी के प्रतिनिधि नवनीत छालानी और जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश और निर्यातक अनुशेष सिंह ने लाइव डेमो देकर इस गड़बड़ी को उजागर किया। NSDL स्तर पर इतनी बड़ी गड़बड़ी देखकर चुनाव समिति तुरंत हरकत में आई और उन्होंने NSDL से इस पर सफाई मांगी, जिसके बाद अपनी गड़बड़ी NSDL के द्वारा मान ली गई और चुनाव समिति ने चुनाव प्रक्रिया को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। लघु उद्योग भारती मुरादाबाद इकाई के अध्यक्ष अंशुल अग्रवाल ने कहा कि इस गड़बड़ी की जांच CBI द्वारा उच्च स्तर पर करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी के उजागर होने से पूर्व में हुए चुनावों पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस तरह की गड़बड़ी का प्रयोग मतदाताओं के अधिकार का हनन है। इसके बाद EPCH में चुनाव प्रक्रिया को स्थगित रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी NSDL जैसी संस्था की साख को खतरे में डाला है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें इंटेंशन थोड़ी उनकी पहले ही पता चल गई थी, पहला फाइट थी जब हमने एक डमी कैंडिडेट को का नॉमिनेशन कराया, वो डमी कैंडिडेट अंशुल अग्रवाल जी थे और उनका हमने नेक्स्ट डे में हमने उनका विड्रॉल भेजा एज पर नॉर्म्स, तो वो विड्रॉल उनका कैंसिल हुआ। क्यों कैंसिल हुआ, उसका रीज़न सिर्फ ये था कि वो बाय हैंड डिलीवर हुआ। उसके नेक्स्ट डे हम DC हैंडीक्राफ्ट ऑफिस में गए और इलेक्शन कमेटी के पास हमने जब ये बात रखी तो वो बिल्कुल मान गए कि आपका विड्रॉल फॉर्म आ गया तो ये कैंसिल होना चाहिए। Why did they cancel that withdrawal? So this was done intentionally कि वो अंशुल अग्रवाल भी आए और मैं भी आऊँ लघु उद्योग भारती से और इधर से ये आए और हमारे वोट आपस में कटे। सो ये सब इंटेंशंस गलत हैं। भाई हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन का काम कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों से उभरना है। अब टाइम आ गया कि सबको जागरूक होना है और सबको इन चीज़ों से उभरना है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इलेक्शन दोबारा से हो और ठीक ढंग से हो और नए बायलॉज से हो और जो भी ये प्रॉब्लम हुई है, जो भी ये पकड़ी गई है प्रॉब्लम, इसकी इंक्वायरी। CH के CEO मेंबर के लिए अपना नामांकन भरा था, नॉमिनेशन, और पहले दिन से हमें बहुत बातें खटक रही थी, कभी ऑब्जेक्शन लग रहे थे, कभी कुछ ऑब्जेक्शन लग रहे थे कि ये आपके जो है कुछ ना कुछ गांधी होगी ज़रूर, लेकिन हमारी भी तीसरी आंख हमारे सारे लोगों की वो काम कर रही थी और राजस्थान, दिल्ली, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, सहारनपुर के जितने लोग थे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मास्टर हैं, वो लोग बराबर इसके नज़र लगाए हुए थे कि क्या पर कैसे ये लोग अपने वोट बढ़ा लेते हैं या बढ़ा लेंगे या बढ़ा देंगे, क्योंकि NSDL एक छोटी मोटी बॉडी नहीं है, EPCH एक छोटी मोटी बॉडी नहीं है और कुछ लोग जो है वो साठ गांठ करके और इस ताक में लगे हुए थे कि हम इसमें वोट डाल लें और वो चीज़ हमने पकड़ ली। एक दिन सुबह से मेरे पास फोन आता है कि आप अभी दिल्ली आ जाइए, मैंने कहा क्या कर रहे हैं, मैंने कहा मैं नहाने जा रहा हूँ, बोले नहाओ मत फौरन निकल जाओ, गाड़ी तुम्हें लेने आ रही है, मैं सीधा दिल्ली पहुँचा, सीधे उसके ऑफिस DC हैंडीक्राफ्ट, वहाँ जाके हमने मिस्टर झा से मुलाकात करी। मिस्टर झा ने जो है हमें बहुत गौर से सुना, सारी हमने iPad और कंप्यूटर से खोल के उनके सामने चार चम्मच डाल के बता दी और उनसे कहा अभी देख लीजिए साहब, हम अब्दुल अजीम को और हेमंत जनाजे को अभी 200-300 वोटर से आपके सामने जिता देंगे, अभी डालते हैं वोट। जो लोग वोट नहीं करते रिलैक्स रहते हैं क्योंकि 100% वोटिंग नहीं होती, 60-70% होती है, 30-40% वोट जो है बाद में बच जाता है, वो क्या करते हैं, उन्होंने उसको निकाल लिया, दे गो टू द सिस्टम, वी सी एवरीथिंग,
दे सी के दिस वोट इज नॉट बीइंग यू नो यूज्ड, तो वो सेकंड लास्ट डे से शुरू कर देते हैं अपनी प्रतिक्रिया या थर्ड से कि 10-10, 20-20 वोट हर जगह के शहर में अलग उससे आ जाएगा, तो आईपी एड्रेस सब आ जाएगा, सब कुछ खुलकर आ जाएगा। फर्जी वोटिंग करते हैं, फर्जी वोटिंग हो रही थी और ये हमने उनको प्रूफ कर दिया, हमने एनएसडीएल को सारे सबूत दे दिए, एनएसडीएल ने 2 घंटे इसका इन्वेस्टिगेशन किया, वो मास्टरमाइंड अंदर उनका फ़ोन आ गया और झा साहब ने हैंड फ्री में हमने सुना दिया सर कुछ दिस इज प्रूफ कि हाँ काम हो रहा है, वो उन्होंने हमें लेटर दे दिया। हालांकि बहुत प्रेशर आया, बहुत फोन आए कि मत दो, ये करो ये करो ये करो, इधर हम भी जो है उन्होंने कहा हम प्रेस रिपोर्ट को बुला रहे हैं, प्रेसर्स को बुला रहे हैं, 50 एक्सपोर्टर आ रहे हैं और बॉडीज आ रही हैं पॉलिटिकल, तो आप मत बुलाइए किसी को, हम आपको भी ले रहे हैं। उन्होंने हमें जो है प्रेशर में आके सही वक्त देख के हमारी सब बात को ऊपर दूसरी पार्टी की सुनी नहीं, उन्होंने बहुत दबाव डाला होगा क्योंकि भाई हम तो बच्चे हैं उनके सामने, तो दिखे जो है, तो ये काम उन्होंने कर दिया। मैं एक चीज़ और चुनाव कैंसिल कर दिया, अब हम चाहते हैं कि थर्ड पार्टी पहले तो ऑडिट करे ईपीसीएच के जो रूल्स हैं और उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने ये काम करा है, उन लोगों की वो लोग टर्मिनेट हों फॉर्म के नाम से भी और पर्सनल नाम से भी जिन्होंने काम करे हैं, और सारी गहराई जो है इसकी वो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनके हाथ में जाए, उसको पकड़ लेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।